हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे लॉजिक पहेलियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलियाँ। दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन है। शुरू करते हैं दोस्तों, आज की पहली पहेली है। एक दिन रिया जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर जा रही थी, लेकिन वो अपना रास्ता भटक जाती है। तभी वहाँ पर जंगल में एक बहुत ही जहरीला सांप रिया के पास आता है और वो रिया को डस लेता है। फिर वो सांप वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, रिया बहुत डर जाती है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। रिया को कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं अब यहाँ से अपने घर कैसे जाऊँगी। रिया अब क्या करेगी? क्या रिया जहर को अपने मुँह से निकालने की कोशिश करे, या रिया अपने घाव को पूरी तरह से ढक दे, या तो फिर रिया ऐसा करे कि वो पास ही के पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाए और सहायता के लिए किसी को बुलाए। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि रिया इन तीनों में से क्या कर सकती है जिससे वो सेफ रहेगी और वो बच जाएगी? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि रिया इन तीनों में से क्या करेगी? दोस्तों, रिया इन तीनों में से सबसे पहले एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाएगी और फिर किसी को अपनी सहायता के लिए बुलाएगी, क्योंकि अगर रिया अपने मुंह से जहर निकालने की कोशिश करेगी तो वो हो सकता है जहर उसके मुंह में भी चला जाए, तो रिया ये बिल्कुल नहीं करेगी। अगर रिया अपने घाव को पूरी तरह से ढक देती है तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, इसलिए रिया अपने घाव को भी नहीं ढकेगी। तो रिया पेड़ के पास बैठकर सहायता के लिए किसी को बुलाएगी। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की अगली पहेली है। एक दिन पायल को उसी के ही घर में कोई मार देता है और फिर इंक्वायरी के लिए वहां पर इंस्पेक्टर आते हैं। इंस्पेक्टर पायल के घर में मौजूद पायल के चारों भाइयों को बुलाते हैं और उन सबसे एक एक करके पूछते हैं कि तुम में से कौन है जिसने पायल को मारा है। तो सभी भाई एक एक करके इंस्पेक्टर को जवाब देते हैं। रौनक कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं किचन में अपने लिए कुछ नाश्ता बनाने के लिए गया था, मैंने पायल को नहीं मारा है। अशोक कहता है कि मैं तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, मैंने पायल को नहीं मारा है। सनी कहता है कि मेरे पैर में तो प्लास्टर बंधा हुआ है, मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता, मैं अपने कमरे में बैठ के टीवी देख रहा था, मैंने पायल को नहीं मारा है। और नितिन कहता है कि मैं अपने दोस्त के घर गया हुआ था, थोड़ी देर पहले ही लौटा हूँ, मैंने पायल को नहीं मारा है। इंस्पेक्टर सभी भाइयों की बात सुनते हैं और समझ जाते हैं कि कौन है जिसने पायल को मारा है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इनमें से वो कौन है जिसने पायल को मारा है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है, किसने पायल को मारा है? दोस्तों, इन सभी में से वो सनी है जिसने पायल को मारा है, जो झूठ बोल रहा है। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, सनी इंस्पेक्टर को बताता है कि मेरे पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है तो मैं कहीं आ जा नहीं सकता, मैं अपने कमरे में बैठ के टीवी देख रहा था। दोस्तों, आप देखेंगे कि सनी ने अपने पैर में जो प्लास्टर बांधा हुआ है वो अपनी पैंट के ऊपर प्लास्टर बांधा हुआ है। कोई भी प्लास्टर पहने हुए कपड़ों के ऊपर नहीं बांधा जाता है, वो कपड़ों के नीचे बनता है। इसी से इंस्पेक्टर समझ जाते हैं कि सनी झूठ बोल रहा है, सनी ने ही पायल को मारा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की अगली पहेली है। यहाँ पर एक शेर है जिसके गले में 10 मीटर की रस्सी बंधी हुई है।
और तभी उस शेर के सामने से एक हिरन आता है जो शेर से 15 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि ये शेर हिरन का शिकार कैसे करेगा? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि ये शेर अपने गले में 10 मीटर की रस्सी बंधे हुए 15 मीटर दूर हिरन का शिकार कैसे करेगा? दोस्तों, मैंने कहा था रस्सी शेर के गले में बंधी हुई है, लेकिन रस्सी का दूसरा हिस्सा तो वहीं पर ही खुला हुआ है, बंधा हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि शेर आराम से हिरन का शिकार कर सकता है। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? तो हमें कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में दो लड़कियां योगा कर रही हैं और उसके ऊपर एक एक लड़की मौजूद है जो उन दोनों को गंदा कर रही है। दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा पागल है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि इनमें से कौन ज़्यादा पागल है? दोस्तों, ये दोनों के दोनों ही पागल हैं, क्योंकि एक तो ये दोनों लड़कियां योगा कर रही हैं और उसके ऊपर दो लड़कियां उनके ऊपर मौजूद है और उन्हें गंदा कर रही हैं, इसीलिए ये सब के सभी पागल हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था जो था, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी टाइप के ब्लड को अपने अंदर ले सकता है, इसलिए इसका सही जवाब है ए बी ब्लड ग्रुप। जिन्होंने इसका सही जवाब दिया वो है ललित किशोर शर्मा, विनय सिंह, टी एस क्रेशन, शिवम मिश्रा और सुशील पारिक। दोस्तों, आज का सवाल है, क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए और इसका सही जवाब देने वाले लोगों के नाम अगली वीडियो में दिखाए जाएंगे। दोस्तों, आप हमारी आज की वीडियो में कितने सवालों के सही जवाब दे पाए हमें कमेंट करके बताइए। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।